Today we will learn chemistry chapter 1 lecture 5th macroscopic characteristics of forward and reverse reaction. Today we will discuss forward and reverse reaction. Well, if I draw a line here and you can see here forward reaction and reverse reaction. ये इधर फॉरवर्ड रिएक्शन और इधर ये रिवर्स रिएक्शन। अच्छा बेटा, अगर फॉरवर्ड रिएक्शन की मैं बात करूँ तो इस रिएक्शन में आता है कि इस रिएक्शन में रिएक्टेंट्स मिलते हैं और वो क्या बनाता है, प्रोडक्ट बनाता है। अगर मैं यहाँ पे एक एग्जांपल लिखूँ, इफ आई राइट हियर हाइड्रोजन एंड ऑक्सीजन इट बिकम वाटर, clear, and you can balance here. You can see we will put two here because there are two atoms of oxygen here and two atoms of oxygen here, the same, but here hydrogen there are four. Well, we put two here to make it equal. That's balance, clear? You can see this example is the forward reaction example, clear? इस रिएक्शन में क्या होता है बेटा, ये जो रिएक्टेंट्स हैं ये मिलकर क्या बनाते हैं, प्रोडक्ट बनाते हैं, यानी रिएक्टेंट रिएक्ट करते हैं टू फॉर्म प्रोडक्ट। ये एग्जाम्पल है किसकी, फॉरवर्ड रिएक्शन की। बट वैन वी टॉक अबाउट रिवर्स रिएक्शन, किसकी बात करते हैं बेटा, रिवर्स रिएक्शन की बात करते हैं, तो ये रिएक्शन जो है इसमें जो प्रोडक्ट है वो टूट के किस में कन्वर्ट हो जाती है, रिएक्टेंट में। अगर मैं इसको ऐसे लिख दूँ, यानी ये जो वाटर है ये दोबारा टूट के किस में कन्वर्ट हो जाएगा, हाइड्रोजन और ऑक्सीजन में। ये एग्जांपल है किसकी, रिवर्स रिएक्शन की है, ठीक है। इसको बैलेंस कर लिए, ये हो गया बैलेंस, ठीक है। ये एग्जांपल है किसकी, रिवर्स रिएक्शन की, ये एग्जांपल किसकी है, फॉरवर्ड रिएक्शन की। फॉरवर्ड रिएक्शन में रिएक्टेंट्स रिएक्ट करके प्रोडक्ट बनाते हैं और रिवर्स रिएक्शन में जो प्रोडक्ट है वो रिकम्बाइन टू फॉर्म रिएक्टेंट्स, ठीक है। प्रोडक्ट टूट के रिएक्टेंट में कन्वर्ट हो जाती है, ठीक है। ये पहला पॉइंट था। अब नाउ सी द सेकंड पॉइंट, इट टेक्स प्लेस फ्रॉम लेफ्ट टू राइट। ये कहाँ से होता है, लेफ्ट टू, ये लेफ्ट है और ये लेफ्ट टू राइट इसने जाना है, ठीक है। फॉरवर्ड रिएक्शन कहाँ से होता है, लेफ्ट टू राइट, क्लियर। और ये जो रिवर्स रिएक्शन होता है ये इसके उल्ट होता है, यानी राइट टू लेफ्ट, क्लियर बेटा। अब जो हमारे पास जो थर्ड पॉइंट है वो बेटा क्या है, थर्ड पॉइंट है इनिशियल स्टेट। एट इनिशियल स्टेज द रेट ऑफ फॉरवर्ड रिएक्शन इज वेरी फास्ट। इनिशियल स्टेट में क्या होता है, फॉरवर्ड रिएक्शन जो होता है वो बेटा बहुत तेज होता है, शार्प होता है, फास्ट होता है। इट इज वेरी फास्ट, और यू कैन से फास्ट एट इनिशियल स्टेज, ठीक है बेटा। इनिशियल स्टेज पे ये बड़ा फास्ट होता है, लेकिन जब वो बात करते हैं ना किसकी, रिवर्स रिएक्शन की, तो ये इनिशियल स्टेज पे बहुत स्लो होता है, नेग्लिजिबल आप कह सकते हैं, ठीक है। बिगिनिंग द रेट ऑफ रिवर्स रिएक्शन इज नेग्लिजिबल, ठीक है, नेग्लिजिबल होता है एट बिगिनिंग, और यू कैन से इन द बिगिनिंग। बिगिनिंग क्या होता है, ये स्लो होता है, यानी इतना स्लो होता है कि नेग्लिजिबल होता है, क्लियर बेटा। चले आगे, जो हमारे पास एग्जांपल है ना वो क्या है, या जो आगे जो हमारे पास जो पॉइंट है वो कौन सा है, वो है जी इट स्लोज डाउन ग्रेजुअली। ये क्या होता है, आहिस्ता आहिस्ता कम होता जाता है, स्लोज डाउन ग्रेजुअली
यानी ये आहिस्ता आहिस्ता क्या होता जाता है बेटा, कम हो जाता होता जाता है, क्योंकि ये जो रिएक्टेंट्स हैं ये क्या होते जाते हैं, कंज्यूम होते जाते हैं और ये प्रोडक्ट में कन्वर्ट हो जाते हैं। और इसमें क्या होता है कि वो जो प्रोडक्ट है दोबारा फिर टूट के इसमें कन्वर्ट होती है रिएक्टेंट्स में, यानी ये आहिस्ता आहिस्ता कंज्यूम होते हैं और प्रोडक्ट बनाते हैं। और इसमें जो है प्रोडक्ट आहिस्ता आहिस्ता कंज्यूम होती है और किसमें रिएक्टेंट्स में कन्वर्ट हो जाते हैं। क्लियर बेटा? अब जो रिवर्स रिएक्शन की बात हम करते हैं, फॉरवर्ड में तो ये स्लोज डाउन होते हैं, ग्रेजुअली आहिस्ता आहिस्ता स्लो डाउन होते हैं, लेकिन जो रिवर्स रिएक्शन है स्पीड्स अप ग्रेजुअली। ठीक है, ग्रेजुअली क्या होते हैं, स्पीड अप होते जाते हैं। क्लियर बेटा? दिस इज ऑल अबाउट द मैक्रोस्कोपिक कैरेक्टरिस्टिक्स ऑफ फॉरवर्ड एंड रिवर्स रिएक्शन। क्या आज हमारा टॉपिक था? मैक्रोस्कोपिक कैरेक्टरिस्टिक्स ऑफ फॉरवर्ड एंड रिवर्स रिएक्शन। थैंक यू सो मच।